हेलो भाई। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, नोबेल प्राइज़ के बारे में बात करते हैं। नोबेल प्राइज़ टू इंडियंस, ठीक है, इंडियंस को दिया गया है। कुछ इसमें ऐसे नाम भी हैं जो लाइक इंडियन अमेरिकन होते हैं ना, यहाँ से पढ़ाई लिखाई करके अमेरिका में जाते हैं, वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। लाइक पहले के कुछ लोग भी हैं इंडियन अमेरिकन भी, उनका नाम भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो आपको मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि नोबेल प्राइज़ इंडियंस को कैसे कैसे मिला गया है। तो ये पूरी की हिस्ट्री शुरू होती है 1913 से, और लास्ट में किसी इंडियंस को मिला था वो 2019 था, ठीक है, अभिजीत बनर्जी। एंड दिस स्टार्टेड फ्रॉम 1913, ठीक है, व्हेन इंडिया वाज रूलिंग बाय द ब्रिटिशर्स, राइट। तो क्या हुआ कि इस समय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। आपको एक क्वेश्चन भी है मेरा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि टाइटल किसने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, और इनको गीतांजलि के लिए दिया गया था, ठीक है। मैं शायद प्रॉपर लिखूंगा नहीं, अदरवाइज टाइम ज़्यादा लगेगा, बट हाँ गीतांजलि का इनका काफ़ी वर्क है। जब मैं स्कूल में था मुझे याद है, तो वहाँ पे मेरे लाइब्रेरी में गीतांजलि हुआ करती थी, ठीक है। तो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, बहुत बचपन की बात है, लाइक 9th 10th क्लास की, बट उसका हिंदी रूपांतरण भी आजकल की लाइब्रेरीज में मिलता है। तो वो काफ़ी हम लोग को, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल सोफिस्टिकेटेड चीज़ें होती हैं वो एक बच्चे को नहीं समझ में आती हैं, बट आप बाद में ओके रियलाइज़ करते हो कि इसको तो नोबेल प्राइज़ मिला है भाई। यस, ठीक है। तो गीतांजलि है ऐसी किताब। एंड देन 1930 में देखोगे ना, तो अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, सी वी रमन साहब को मिलता है, ठीक है। और ये रमन इफेक्ट के लिए मिलता है। अब रमन इफेक्ट फिजिक्स में भी पढ़ाया गया है 12th क्लास में हमें थोड़ा सा, ये शायद 10th क्लास में भी NCERT में एक छोटा सा चार्ट, मतलब एक छोटा सा टाइप, मतलब एक बॉक्स में दे रखा है रमन इफेक्ट के बारे में, लाइट वाले चैप्टर में, ठीक है, जिसमें स्केटरिंग वगैरह पढ़ाया जाता है उसके बारे में, रमन इफेक्ट बारे में। अच्छा, इन्हीं सी वी रमन साहब के उपलक्ष में इंडिया में साइंस डे मनाया जाता है। तो आपको आई होप पता है कि होगा कि इंडियन साइंस डे, इंडिया में नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 1930 के बाद हम चलते हैं 1968 में। तो 1968 में सबसे पहले लाइक आज़ादी के बाद आप चलते हैं, हर गोविंद खुराना साहब को मिला था। किसको? हर गोविंद खुराना साहब, ठीक है, इनको मिला था अबाउट जेनेटिक्स कोड, ठीक है। तो जेनेटिक्स पे इनका काफ़ी काम था, जेनेटिक कोड पे। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि 1968 में हर गोविंद खुराना साहब को मिलता है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं मदर टेरेसा जी के पास 1976 में। कब मिला था? 1976 में मदर टेरेसा को मिला था, ठीक है, टेरेसा। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, इनको पीस के लिए दिया गया था ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, अब ये तो याद ही होगा ना, जैसे मैं जेनेटिक कोड बोल रहा हूँ तो ये मेडिसिन का हो गया, या रमन इफेक्ट में वो फिजिसिस्ट थे ना गीतांजलि, वो लिटरेचर के लिए दिया जाएगा। ये तो आप लाइक कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में 1983 में इंडियंस की बात करें तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये भी एक इंडियन अमेरिकन है, ठीक है, इंडियन अमेरिकन है, लाइक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर, इनको किस लिए दिया गया था? एक्चुअली ये फेमस हैं चंद्रशेखर लिमिट के लिए भी, जनरली हम लोग पढ़ते हैं चंद्रशेखर लिमिट, बट इनको दिया गया था नोबेल प्राइज़ स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स के लिए, ठीक है। जो तारे बनते हैं ना, तारों का जन्म कैसे होता है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके लिए चंद्रशेखर का आपको दिया गया था, ना कि चंद्रशेखर लिमिट के लिए। हालांकि चंद्रशेखर लिमिट भी इसी लाइक एस्ट्रोनॉमिकल थिंग्स से रिलेटेड है, लाइक स्पेस साइंस से रिलेटेड है, बट हाँ इनको स्पेसिफिकली पूछा जाए तो स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स के लिए दिया गया था, ये याद रखना, ठीक है। तो 1983 में, उसके बाद में 1998 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इज़ अ फेवरेट टॉपिक ऑफ UPPCS क्वेश्चन, इनकी किताबें भी हैं। अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन को दिया गया था इकोनॉमिक्स का, ठीक है। किसके साथ मिलके दिया गया था, क्या इनको आपको पता होगा? तो इनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए दिया जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ते हो वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है, पॉवर्टी एंड हंगर ये सारी ना, एंड कैसे गरीबी उन्मूलन हो सके, हंगर ना, जो भी वेलफेयर के कॉन्सेप्ट हैं इकोनॉमिक्स में, उसके लिए इनको दिया गया था। इनके रिसर्च पेपर, इनकी किताबें, इनकी एक रिसेंट किताब हमारा दोस्त एक था पढ़ रहा था, तो मुझे कुछ चीज़ें मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी, लाइक आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, ठीक है। और भी इनकी किताब UPPCS में पूछी गई है PYQ में, आप वो कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपने PYQ किया होगा तो, पक्का लाइक 2-3 साल पहले इनकी किताबें पूछी गई थी। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट
बात करते हैं 2001 में वी एस नायपॉल को दिया गया था। वी एस नायपॉल भी लाइक ये यूरोपियन है, मतलब इंडियन यूरोपियन है, तो इनको लिटरेचर के लिए दिया गया था, लाइक कॉलोनियल पास सप्रेस द हिस्ट्री पे लिखते हैं वी एस नायपॉल साहब, तो इसके लिए दिया गया था। ठीक है, तो आप इतना आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में तो आपको पता होगा 2009 में दिया गया था वेंटक रमन रामकृष्णन को। किसको? वेंटक रमन रामकृष्णा। तो ये साउथ इंडियन नेम से आपको लग रहा होगा, बट एक्चुअली ही इज़ ऑल्सो इंडियन अमेरिकन। तो इनको दिया गया था राइबोसोम के लिए। ठीक है, राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। एक तो लाइसोसोम होता है ना, जिसको जिसमें सब कुछ जा कर के लाइक सेल्स डेड हो जाती है ना, एक राइबोसोम होता है जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के लिए वेंटक रमन रामकृष्णा को दिया गया था। एंड उसके बाद में हम सबके जो कम साइंस में होगा, जब से हम लोग इनटू न्यूज़पेपर्स एंड कंपटीशन में हैं, कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में दिया गया था। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी, इनका एक आंदोलन था, मूवमेंट था, बचपन बचाओ। इनके साथ एक पाकिस्तानी थी, पाकिस्तानी वोक, उनको भी दिया गया था एक्चुअली। एंड 2019 में लेटेस्ट इकोनॉमिक्स में दिया गया था लाइक अभिजीत बनर्जी जी को। ठीक है, ही वॉज इकोनॉमिक्स, इनका जो कॉन्सेप्ट था वर्ल्ड की पॉवर्टी पे। ठीक है, ही वॉज स्कॉलर फ्रॉम JNU एज वेल, बट एक्चुअली ये अमेरिकन है, इंडियन अमेरिकन। तो जो है 2019 में दिया गया था। ठीक है, तो इनको इकोनॉमिक्स का दिया गया था। राइट, तो ऐसे हमने रिवाइज कर लिया, आपको रिवीजन मिल गया होगा। 1.5 पे बढ़ा के इसको देख लेना, इसमें कुछ लिखना होगा लिख लेना अपने साथ पैरेलली। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट नोबेल प्राइज गिवन टू इंडियंस, उनका सब्जेक्ट क्या है, थीम क्या है। आपका रिवीजन हो गया, ईयर वाइज भी हमने कर लिया है, थीम वाइज भी कर लिया है। आप बाकी चीज़ें कमेंट में कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।